आयुर्वेद के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू की आर पार की लड़ाई, अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू। प्रदेश स्तर पर शुरू आयुर्वेद जूनियर डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन आंदोलन रीवा में भी शुरू हो गया। इन जूनियर डॉक्टरों ने आयुर्वेद कॉलेज और आयुष चिकित्सालय में काम करना बंद कर दिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इन डॉक्टरों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा करते हुए कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे टस से मस नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि अभी पिछले ही पखवाड़े में पूरे प्रदेश के MBBS डिग्रीधारी व PG कर रहे मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने भी बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें सरकार झुकी और जूडा की समस्त मांगों को मान लिया था। उसी तर्ज पर अब आयुर्वेद के जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इन जूनियर डॉक्टरों की जो मांग है वह प्रथम दृष्टया जायज भी प्रतीत होती है। आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों का स्टैंड फंड अभी भी 21,000 से 23,000 के बीच अटका है, जबकि एलोपैथिक के छात्रों का यह स्टाइफंड लगभग 60,000 है। इसी प्रकार इंटर्न छात्रों का मानदेय भी केवल 5,600 रुपये ही है। इनकी मांग थी कि विभाग द्वारा पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी 7 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। छात्रों का कहना था कि केवल भाषणों में आयुर्वेद के प्रति सब मोह दिखाते हैं और वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद के साथ लगातार धोखा और मजाक के साथ उपेक्षात्मक रुख अपना रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं छात्रों से। आयुर्वेद कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर निधि मिश्रा से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा, जी हम लोग स्टाइपेंड को लेकर कर रहे हैं, उसकी वृद्धि को लेकर कर रहे हैं। हाउस फिजिशियंस, PG स्कॉलर्स और इंटर्न जो है उनकी स्टाइपेंड की वृद्धि को लेकर कर रहे हैं। अभी क्या स्टाइपेंड मिल रहा है? अभी हमको स्टाइपेंड जो हमारे PG स्कॉलर्स हैं उनको 21,000 कुछ मिल रही है और हाउस फिजिशियंस को 14,000 और इंटर्न को 6,000। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो राजकीय पत्र है उसके अनुसार राज्य की जो अन्य चिकित्सा है उनके समान ही हमको दी जाए। जैसे एलोपैथ में जो PG स्कॉलर्स हैं उनको 65,000 कुछ दी जाती है और हाउस फिजिशियंस को 61,000 दी जाती है और इंटर्न्स को 10,000 दी जाती है, तो हम चाहते हैं हमको भी कुछ इसी तरह का मिले। हमारे कॉलेज में स्टूडेंट करीब 500 के आसपास हैं जी, और PG मिला के UG मिला के, और हमारी मांग ये है कि जो PSC और NRHM के थ्रू हमारी नियुक्तियाँ निकल जाएँ, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन भारत, और हमारी भारत की जो पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति हमारी प्राचीनतम पद्धति है और हमारी मूल पद्धति है। अगर हमको सिर्फ पढ़ाई करा के सिर्फ निकाला जाए और कोई वैकेंसी ना निकल जाए तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। हम चाहते हैं जो उन्होंने पिछले कई मंचों से उन्होंने इसकी घोषणा करी है 500 पदों की, 700 पदों की, लेकिन कि एक भी नियुक्ति पिछले 5 साल के अंदर एक भी नियुक्ति नहीं निकाली गई है। कई मंत्री ने आश्वासन दिया, पिछली बार भी इसके लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन के थ्रू कुछ नहीं होने वाला। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको लिखित में उनका आदेश चाहिए कि इस बार हमारी भर्तियाँ निकाली जाएँ। PSC की जो सरकारी पदों पर, PSC पर, NRHM में, वो हमारी बराबर नियुक्तियाँ निकाली जाती रहें। नहीं, पूरे प्रदेश में ये आज हम शांति के साथ अभी 5 दिन से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, काली पट्टी बांध के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हम, लेकिन काम कर रहे लिखा आज से हमने काम पूरा बंद कर दिया और प्रदेश के पूरे 5 और 7 कॉलेज के अंदर कार्य पूरे रूप से बंद है और हम उनका समर्थन करते हैं। ये इंटर्न और हाउस फिजिशियन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो उससे हमारे अस्पताल का कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। मैंने सारी व्यवस्थाएँ बना दी हैं और हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो 3 पाली में ड्यूटी करेंगे और सारा काम वही देखेंगे।